इनिशियल लेवल पे क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं, जो सेल्स की जब बात आती है, प्रेजेंटेशन दिखा दी, थोड़ा यू नो समझा दिया प्रोडक्ट्स के बारे में, उसके बाद क्या लोग गलती करते हैं, स्टार्ट करना और एंड करना, मैं आगे आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। स्टार्ट करना और एंड करना सबसे रियल गेम है। पिक्चर की शुरुआत में हीरो की एंट्री बकवास तरीके से हुई, पिक्चर की शुरुआत में ही हीरो की एंट्री बकवास तरीके से हुई, पिक्चर का ट्रेलर ही बकवास लॉन्च, पिक्चर बहुत अच्छी थी लेकिन ट्रेलर बड़ा बकवास लॉन्च हुआ तो फ्लॉप हो जाती है। मैं एक पिक्चर देखने गया था, नवकेश जी थे, लोकेश जी थे, प्रवीण सिन्हा जी थे और एक दो लोग थे। मैं एक पिक्चर देखने गया था जिसका नाम था रॉय, ROY रॉय। तो बाद में पता चला था कि वो रोए पिक्चर थी, कि तुम रोगे बेटा इस पिक्चर को देखने के बाद। तो हमने उसका एक गाना सुना था, तू है कि नहीं, तो हमने गाना देखा, यार क्या तो गाना है, बड़ा ना सूंचा एकदम जबरदस्त तरीके से, तू है कि नहीं देखा हमने, हमने बोला बढ़िया पिक्चर है चलो देखते हैं, और इतनी बकवास पिक्चर थी, हम एक दूसरे का देख रहे थे कि चले भाई अरे अरे सर थोड़ा सा और देखते, क्या पता कोई सस्पेंस हो। फाइनली देर वॉज नॉट नो सस्पेंस, वो फ्लॉप पिक्चर थी। उसके स्टार्टिंग, उसका ट्रेलर थोड़ा सा सही था, उसके गाने सही थे, स्टार्टिंग सही थी, इस वजह से हम फ्लॉप पिक्चर देखने के लिए भी पहुंच गए। आपकी पिक्चर सुपर हिट है लेकिन आपने स्टार्टिंग गलत कर दी, स्टार्टिंग खराब तरह से कर दी, तो आपका फ्लॉप हो जाएगा। और एंड इज द रियल गेम। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, रियल एंडिंग जहां पे होती है वो रिमाइंड, जीवन भर आपको ये बात याद रहेगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, कटप्पा ने बाहुबली, ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक आपको ये एक थॉट हमेशा जिंदगी में आपके माइंड में रहेगा, क्योंकि एंडिंग सही थी उसकी, राइट। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, जब वो जवाब नहीं दे पाते या सामने वाला व्यक्ति उल्टे सीधे सवाल पूछ लेता है तो वो आर्ग्यूमेंट लेता। किसी ने कह दिया कि ये तो फर्जी काम है, ये तो फर्जी लोग करते हैं। अब उसको बड़ा प्यार था विस्टी से, बड़ा प्यार था अपलाइन से, बड़ा प्यार था अपने काम से, उसका ईगो हर्ट हुआ और उसने बोला सुन तेरी ऐसी तैसी, तू मिल बाहर मिल, मैं तेरे को बताता हूँ। आर्ग्यूमेंट कर लिया, बहस कर ली। याद रखिएगा, आपको इस बिजनेस में बहस में नहीं जीतना है, आपको इस बिजनेस में जीतना है। अगर आप बिजनेस में जीतना चाहते हैं तो बहस में हार भी जाए चलेगा, आपको बहस में नहीं जीतना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहस में जीत, अरे सर ऐसी धुलाई करी ना उसकी साला, मतलब पूछो मत सर, आप होते ना तो आपको मजा आ जाता है, ऐसी छिलाई करी, ऐसा रगड़ा मैंने, आप पूछो मत। व्हाट आफ्टर दैट, ज्वाइन किया, अरे सर ज्वाइन तो नहीं किया, मुद्दा क्या था, उसकी छिलाई करना, उसकी घिसाई करना, उसको क्या, ये मुद्दा थोड़ी था, मुद्दा वाज टू मेक हिम ज्वाइन, एंड व्हाट यू डिड, आपने उसका ईगो हर्ट कर दिया। डोंट डू दिस, राइट। हार्ड टोन एंड इंसल्टिंग मैनर, बहुत सारे लोग हार्ड टोन में बात कर लेते हैं, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई फालतू लगा हुआ है ये वो, अरे ऐसे कैसे बोल दिया तूने, फालतू है ये वो, मैं भी देख लूंगा तुझे, वो नहीं चतुर था थ्री इडियट में, मैं देखेगी तुम भी देखेगी, मिलेंगे 31 तारीख को एंड ऑल, राइट। तो ये डोंट डू दिस, इंसल्ट नहीं करना है, हार्ड टोन में बात नहीं करना है, फॉल्स कमिटमेंट। इस बिजनेस में आप शुरुआत में बिजनेस बना सकते हैं, बना जाएंगे अगर आप फॉल्स कमिटमेंट करेंगे तो, बट as per माय ओपिनियन, as per माय एक्सपीरियंस, आपका बिजनेस टिकेगा ही नहीं, आपका बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा और वापस से आप जीरो पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मेहनत से बिजनेस बनाए चलेगा, ईमानदारी से बनाए चलेगा, कोशिश करके बनाए चलेगा, तकलीफ से बनाए चलेगा, लेकिन झूठ मक्कारी काम चोरी और फॉल्स कमिटमेंट के साथ कभी भी बिजनेस ना बनाए। नो प्रोफेशनल टॉक, प्रोफेशनल बिजनेस है, ये बहुत आश्चर्यजनक चीज है इस इंडस्ट्री की, कि टोटल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज, टोटल प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, बट अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इसमें नॉन प्रोफेशनल लोग ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कोर्स नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होता, ओपन फॉर ऑल है, सब आ जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोग भी आ जाते हैं, बट प्रोफेशनल व्यक्ति बन के ही इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। प्रोफेशनल लुक मायने रखता है, प्रोफेशनल टॉक मायने रखता है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मायने रखती है, प्रोफेशनल फॉलोअप मायने रखता है, बहुत ज्यादा जरूरी, राइट। लॉट ऑफ टाइम वेस्टिंग, आप अगर किसी अंकल का फॉलोअप कर रहे हैं, राइट, किसी जॉब क्लास का फॉलोअप कर रहे हो और आपने उसका फॉलोअप लिया 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। लोगों के पास समय नहीं है। अभी 176 लोग है, अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा घटते 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 100 रह जाएंगे, क्योंकि 76 लोग थोड़ी देर देखेंगे अरे यार टाइम नहीं है चलो कुछ और करेंगे। लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए कम से कम टाइम में आपको अपनी बातें रखनी है। नो स्टॉक विद देम का मतलब क्या है, कि आप बता रहे हो साबुन के बारे में बट यू डोंट हैव फिजिकल थिंग इन योर हैंड्स, आप बता रहे हो फ्लैक्स ऑयल बट यू कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट दैट, आप फोटो दिखा रहे हो फ्लैक्स ऑयल का नहीं चलेगा। अगर आप बता रहे हो है ना क्लिंजर टोनर के बारे में, तो आपके पास होना चाहिए कि साहब ये यूज करके अभी अभी लगा के देखिए इसका आपको कैसा फील होता है।
तो ये आपके पास होना चाहिए. एंड लास्ट सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, दैट इज व्हाट, नो हाइपिंग एट ऑल. नो हाइपिंग एट ऑल. अगर आपकी अपलाइन ने इस वेबिनार को, इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को हाइप किया था, अरे नवीन माथनकर सर का होने वाला है तो इसको अटेंड कर लेगा ना भाई, जबरदस्त तरीके से तेरी ग्रोथ हो जाएगी, तो एक बार इसको देख ले, तो इसको सुन ले, तेरी जितनी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, और तू एक बार इस वेबिनार को अटेंड कर लेगा ना, इस वेबिनार के बाद भाई तू प्रोफेशनल बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा. जिन लोगों ने इस वेबिनार को हाईली हाइप किया था, वो सारे लोग 11 बजे से पहले इस वेबिनार को डायरी पेन के साथ बैठ करके प्रोफेशनली तैयार थे कि हाँ यार नवीन सर का. और जिन लोगों को हाँ ये एक होने वाला है, ये लिंक है, ज्वाइन कर लो, वो आएंगे थोड़ी देर टुकुर टुकुर करेंगे और फिर चले जाएंगे. क्यों? हाइपिंग मायने रखती है. क्या आप ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में जानते हो जो पढ़ाई करते करते लाखों की इनकम पे? क्या अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को जानते हो जो लग्जरी कारों पे? क्या अपने सोसाइटी में ऐसे लोगों को जानते हो जो 10-10, 20-20 लाख रुपए महीने का कमाते? नहीं ना, नहीं जानते ना. आपके सोसाइटी में, आपके कॉलेज में, आपके कलीग्स में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग नहीं है. और अगर आपको यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति का प्रेजेंटेशन मिलता है तो हाइपिंग करना मस्ट है, बनता है हाइपिंग करना. ये गलती बिल्कुल भी ना दोहराए. राइट, आगे बढ़ते हैं. हाउ टू मेक अ सेल इन टू वेस्टीज, वेस्टीज में एक ज्वाइनिंग कैसे कन्वर्ट करे. सबसे पहले प्रिपेयर योर सेल्फ फर्स्ट. सबसे पहले तो तैयारी करें. मैं ये कड़वे शब्द होंगे आप लोगों के लिए, बट इसे एक्सेप्ट करें. कड़वे शब्द है आप लोगों के लिए, बट एक्सेप्ट करें. आप में से 90% लोग ज्वाइनिंग चाहते हैं, आप में से 90% लोग पैसा चाहते हैं, आप में से 90% लोग लग्जरी लाइफ चाहते हैं, आप में से 90% लोग सब कुछ चाहते हैं, बट दे आर नॉट येट प्रिपेयर्ड. उन्हें नहीं पता सीवकथॉन क्या है, उन्हें नहीं पता फ्लेक्स ऑयल क्या है, कौन सा ओमेगा, उन्हें नहीं पता. और वो चले जाते हैं दुनिया को बताने वेस्टीज 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 वेस्टीज, और उनका प्रेजेंटेशन, उनका फॉलोअप सामने वाले को लगता है कि कोई स्कीम है. स्कीम लाइक कि दो लगाओ चार बन जाएंगे, है ना, 7 दिन में पैसा डबल, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं. सो प्रिपेयर योरसेल्फ फर्स्ट. दुनिया को ज्ञान देने से पहले, जो चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी है, इसको मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है, ये मेरे अनुभव है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं आंख बंद करके भी पूरी ट्रेडिंग कर सकता हूँ. लेकिन आप क्या गलती करते हैं, बिना प्रिपरेशन के सामने वाले को प्लान, प्रोडक्ट प्लान, प्रेजेंटेशन फॉलो अप करने चले जाते हैं और आपको मिलता है रिजेक्शन. और फिर आप ही के मन में थॉट्स आते हैं कि यार हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा. अरे यार 2 2 4 आज आप इतना इजीली बोलते हो, 2 2 4 2 3 6 2 4 2 5 बोलते हो ना बड़ा इजीली. पहले दिन कितना कठिन था, गिव अप किया क्या? नहीं, प्रिपेयर किया आपने डे बाय डे डे बाय डे डे बाय. ए फॉर एप्पल, आज छोटे से बच्चे को देखो तो कितना टफ है उसके लिए लिखना. आज आप निबंध लिख लेते हो, एसेज लिख लेते हो, कैसे आप प्रिपेयर्ड हो उस चीज के लिए? आपने बार 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 तैयारी करी उस चीज को लेकर के. वी वर इनटू मनाली. मनाली में एक नदी है व्यास रिवर, व्यास नदी है, तो हमने रिवर राफ्टिंग करी थी. रिवर राफ्टिंग आप जानते हो, वो एक नाव टाइप से होती है जो रबर की या हवा वगैरह, हवा प्लास्टिक से बनी होती है, तो हल्की होती है काफी, तो उससे रिवर राफ्टिंग होती है, चप्पू चलाना होता है और नदी में यूं यूं करके उफान चल रहा होता है जबरदस्त तरीके से. तो हाँ एकदम एक्साइटेड, जैकेट हेलमेट वेलमेट पहन करके बैठे, तो वो जो भैया थे जो हमें करवाने वाले थे वो आए, बोले कि अब आपका यहाँ से होगा 8 किलोमीटर का आपका ये रहेगा रिवर राफ्टिंग और ऐसा ऐसा. और अचानक से नदी है, उसका पानी भयंकर ठंडा है, भयंकर मतलब आप कपकपी छूट जाएगी, इतना ठंडा, भयंकर ठंडा पानी है. वो ये बोलते हम एक्साइटमेंट में सुन रहे, अच्छा ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, मैं आपको लाइफ ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको कैसे बच सकते वगैरह वगैरह. और अचानक से उसने वो पानी लिया नदी का ठंडा वाला और हमारे ऊपर ऐसे ऐसे करके उछाल दिया. इतनी तेज गुस्सा आई मुझे और हम सबको, मतलब एक नाव में समथिंग 5-6 लोग थे, इतनी गुस्सा आई. हमने एक दूसरे को देखा, बट अब क्या कर सकते थे, चलाने वाला तो वही था, नैया पार लगाने वाला तो वही था, हमने बोला कि चलो. इतनी ठंड लगी, बट पता है क्यों किया था उसने, जैसे ही हमारी नाव वहां से निकली और आगे बढ़ी तो पहला ही गोता नाव ने खाया और नाव ऐसे हुई और जो पानी का थपेड़ा इतना तेजी से लगा वो पूरा हमें भिगा दिया. और तब हमारे को ये समझ में आया कि इसने हमारे को एक्चुअली प्रिपेयर किया था इस ठंडे पानी के लिए. और फिर बाद में वो पानी भयंकर ठंडा होने के बावजूद भी हमें ठंडा नहीं लगा. ये कहलाती है प्रिपरेशन. क्या आप अपने बिजनेस के लिए प्रिपेयर्ड है? अब मैं आप आपके आंसर्स चाहूंगा. जितने लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिलते या जितने लोग तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप से सवाल पूछे और मुझे आप पर्सनली भेजना चाहते हो तो आप पर्सनली भी मुझे रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या आप अभी तक प्रिपेयर्ड थे बिजनेस करने के लिए, सेल्स कन्वर्ट करने के लिए, ज्वाइनिंग्स के लिए, बिजनेस के लिए, रिजल्ट्स के लिए. कुछ लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं,
नो सर, नो सर, नो सर, 100% नो सर, नहीं सर जी, नो सर, नो सर, नहीं सर जी, नो सर, 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 बहुत सारे नो सर, राइट, नो सर, 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 मतलब अब आप अपने आप से सवाल करें, क्योंकि हम दूसरों की गलतियों पे जज बन जाते हैं, दूसरों की गलतियों पे जज बन जाते हैं. तो आई डोंट वांट टू बी जज, कि मैं आपको बताऊं, नहीं नहीं ऐसा, आप अपने आप से पूछे, आप खुद जज बने, कि अगर आप ही को नहीं ये फील हो रहा है कि आप प्रिपेयर्ड है बिजनेस के लिए, तो क्या सामने वाला व्यक्ति आप पे ट्रस्ट करके आपके साथ ज्वाइन करके बिजनेस का हिस्सा बनना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं. इसलिए सबसे पहली चीज आज हम क्या करेंगे, आज से हम अपने आप को करेंगे प्रिपेयर्ड. दूसरा, सेल्स क्लोज करनी है, अगर आपने कोई पिक्चर देखी उसका मोटिवेशन, उसके गाने हम गुनगुनाते ना, तू है कि नहीं, वो दो चार दिन रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है. तो फॉलो अप, आपने जो प्रेजेंटेशन दिखाई, आपने जो मीटिंग दिखाई, आपने जो वेबिनार दिखाया, तरुण सर का वेबिनार दिखाया, किसी का भी वेबिनार दिखाया, उसके बाद उसके सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी आपको उसको कन्वर्ट करने, अदरवाइज उसकी नाक के चांसेस बढ़ जाएंगे. तीसरा, आस्क क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग देम. मैं आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको, आस्क क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग देम. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा गाइस कि आप सभी लोग डायरी पेन लेकर के बैठे, तो इन्हें लिखते जाए. जो लोग यहाँ पे बैठ के स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, ये सोच करके कि हाँ स्क्रीनशॉट याद रखे, जब आपकी मेमोरी फुल का मैसेज करेगा ना फोन, सबसे पहले आप कुछ नहीं है नवीन माथुरकर वाली प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट डिलीट कर देंगे. डायरी पेन रखे और लिखे, क्योंकि लिखना, जब हम लिखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस में मैसेज जाता है कि दिस इज समथिंग सीरियस, और दिमाग उस पे फोकस करता है. आगे आपको यही ट्रेनिंग्स डिलीवर करनी है अपनी डाउनलाइंस को. आप हमेशा डाउनलाइन बनके तो बैठे नहीं रहेंगे ना, आप भी अपलाइन बनना चाहेंगे ना, तो आपके पास ही होना चाहिए. इसे लिखे सारी चीज, आस्क क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग देम. चौथा, डेमोन्स्ट्रेशन किल्स द डाउट्स. क्या ये फ्लेक्स ऑयल सच में काम करता है? आइए सर मैं आपको डेमो दिखा दू. यू डिड द डेमोन्स्ट्रेशन. क्या ये तुम्हारा फ्लोर क्लीनर सच में अच्छा है? आइए मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ. क्या ये तुम्हारा ये जो क्रीम है बहुत अच्छा है? आइए मैं आपको लगा करके, खुद ही लगा करके देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ. राइट, बिल्कुल अभिषेक जी, आपकी फर्स्ट ट्रेनिंग है, सारे के सारे आप राइट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आप लिखे सारे के सारी चीजें. अगला है FFF, फील फेल्ट फाउंड. फील फेल्ट फाउंड, मैं आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा, कैसा महसूस, आपने कैसा, आपको क्या क्या अच्छा लगा, अच्छा ये आपको अच्छा लगा, यही सेम चीज मुझे भी अच्छी लगी थी, फिर मैंने पाया, एंड ऑल, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस. बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जैसे कुछ लोग का रिप्लाई आता है कैसे है कि भाई कैसा लगा तुमको ये वेबिनार, क्वेश्चन ही गलत है ना, तो हाँ भी बोल सकता ना भी बोल सकता, कैसा लगा वेबिनार, अरे बोरिंग था यार. अब आपका तो दिल जुड़ा है इस चीज से, आपका तो आप करियर बना रहे हो, आप यहाँ से जिंदगी देख रहे हो कि यहाँ लाइफ बन सकती है, BMW आ सकती है और वगैरह वगैरह, आपका तो दिल लगा हुआ है. अब आपने उसके ओपिनियन को सुना है कि यार बोरिंग लगा, तो आपको बड़ा हर्ट हुआ, तो आपने उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट नहीं, रह रहे ऐसे कैसे बोल रहे हो, अच्छा नहीं लगा, कितना अच्छा तो था, ऐसा था वैसा था, ये गलती लोग कर देते. रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस. अगर किसी ने आपसे कहा कि सब तो ठीक है लेकिन यार ये बड़ा माथापच्ची वाला काम है, आपने बोला नहीं 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 माथापच्ची वाला काम नहीं, तो आपने क्या गलती कर दी, आपने एक गाय जो थी गाय के गले में रस्सी बांधी और आप उसे खींच रहे हो, गाय नहीं आएगी. आपने क्या करना है, आपको घास देना है, आ जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी, उसके ओपिनियन को खारिज नहीं करना है. इफ ही टोल्ड कि सब तो ठीक है माथापच्ची वाला काम है, अगर आप ऐसा बोल रहे हो, तो अगर आप बोल रहे हो, आप एक्सपीरियंस हो, आपने दुनिया देखी है, अगर आप बोल रहे हो तो शायद ऐसा ही होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि, आगे मैं आपको बताऊंगा. सो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे. सो अगर अभी तक भी आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो जल्दी से लिखिए यस, कि आपको अभी तक के सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं.